देश के अधिकतर हिंदी भाषी राज्यों में मतदान का प्रतिशत गिरा है, जबकि छत्तीसगढ़ में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, जिसको लेकर देश भर में चर्चा है कि कम मतदान से किसको फायदा होगा और किस पार्टी को नुकसान होगा। साथ ही ये चर्चा ये भी है कि छत्तीसगढ़ में चूंकि मतदान का प्रतिशत बढ़ा है तो इसका क्या मतलब है, क्या मौजूदा सरकार को इसका फायदा मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। पहले और दूसरे चरण में 4 सीटों पर बस्तर, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर समेत पिछले चुनाव की तुलना में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्य की तुलना में मतदान बढ़ने के पीछे निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दल की सक्रियता और लोगों में उत्साह भी है। साल 2014 और 2019 में मतदान का प्रतिशत बढ़ने से बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा था। इस बार दोनों चरणों की 4 सीटों में मतदान 1% बढ़ा है। मत प्रतिशत बढ़ा, लोकसभा चुनाव 2019 राजनांदगांव 76.04%, महासमुंद 74.51%, कांकेर 74.26%, लोकसभा चुनाव 2024 राजनांदगांव 77.42%, महासमुंद 75.02%, कांकेर 76.23%। मत प्रतिशत में वृद्धि, लोकसभा क्षेत्र मत प्रतिशत राजनांदगांव 1.38%, महासमुंद 0.51%, कांकेर 1.97%। पहले और दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ने पर दोनों प्रमुख राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी की सुनामी चल रही है, ये चुनाव नहीं है, ये जन आंदोलन है। वही कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रोश है, जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, ये मतदान सत्ता के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जी की सुनामी चल रही है और ये चुनाव चुनाव नहीं जन आंदोलन का रूप ले लिया है। लोग स्वस्फूर्त तरीके से मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये चुनाव हिंदुत्व का चुनाव है, ये चुनाव राम मंदिर का चुनाव है, ये चुनाव भारत देश के सम्मान का चुनाव है। इसलिए इस धर्म युद्ध में, महायज्ञ में आहुति देने के लिए लोग खुद ब खुद मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और पिछले 4 महीने में जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी का क्रियान्वयन यहां पे हुआ है, केंद्र सरकार की 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है अपने आप में बताने के लिए काफी कुछ है कि हवा का रूप किस ओर है। छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश है। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इन्होंने विधानसभा चुनाव के समय जो वायदे किए थे उसको पूरे नहीं किए और उल्टे यहाँ पे आके अपनी उपलब्धियों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ कांग्रेस को पूछा। तो छत्तीसगढ़ में जो चुनाव के 2 चरण हुए हैं उसमें जनता बढ़ चढ़ कर उसने मतदान किया और यह मतदान सत्ता के खिलाफ हुआ। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में हुए 4 लोकसभा सीटों के मतदान में मत प्रतिशत पहले के मुकाबले बढ़ा है। बचे हुए 7 लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। मतदान बढ़ने से किसको फायदा होगा ये तो 4 जून को ही सामने आएगा। 4/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट।